हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम गोभी का अचार बनाएंगे बिना धूप के। बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। इस तरीके से आप अचार जरूर बनाएं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अचार आप कैसे तैयार कर सकते हैं बिना धूप के। गोभी का जो अचार है, देखिये इस तरीके से हमने अचार को बना के तैयार किया है। इस तरीके से हम आज आपको बताएंगे कि ये कितना परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप गोभी का अचार बना के रख लें, सालों तक खराब नहीं होता। पूरी पराठा जिस चीज के साथ आप खाना पसंद करते हो अचार, उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी अचार बनके तैयार होता है। चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। देखिए पानी में उबाल आने लगा है, इस समय हम इसमें नमक डाल देते हैं। देखिए हमने नमक डाल दिया, देखिए उबाल आने लगा है। अब हमने जो गोभी काट के ले रखी है, अब इसे हम डाल देते हैं। हमें ज्यादा इसे उबालना नहीं है, बस अच्छे से इसमें उबाल आना चाहिए, उसके बाद ये तैयार हो जाता है। देखिए हमने इसे डाल दिया, देखिए इसे 5 मिनट हो गया है उबलते हुए। अब इसे हम थोड़ा चला देते हैं इसे। अब देख सकते हैं ये पानी में जब गोभी उबलने लगता है तो इसका कलर बहुत खिल जाता है। देखिए कलर कितना मतलब डार्क हो गया है इसका, आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही 5 मिनट और उबाल लेंगे इसको। देखिए 10 मिनट हो गया है, चूल्हे को हम बंद कर दे रहे हैं। अब इसको हम अभी तुरंत इसे छान लेते हैं। देखिए हमने इसे छान के रख लिया है, देख सकते हैं। हमने जाली वाले में पानी हमने सारा निकाल दिया है। अब इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद से हम कपड़े पे फैला देंगे इसे। हमें पूरे दिन इसे सूखा, मतलब रख के इसे सूखा कर लेना है। देखिए अभी ये गला नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो हम मसाले यूज करने वाले हैं, ये हम आपको मसाले दिखा देते हैं। ये सौंफ है, और ये पीली वाली राई, और ये रहा जीरा, और ये है धनिया खड़ा। धनिया जो है ये मेथी दाना है, और ये जो है बनारसी राई है, ठीक है। अब इन मसालों को हम भून लेते हैं। अब ये जो खड़े मसाले हैं, इन्हें हम जो है कढ़ाई में डाल देते हैं। इन्हें हल्का हल्का सा भूनना है, मसाले को ज्यादा नहीं भूना जाता है, क्योंकि कलर जो है ज्यादा चेंज हो जाएगा तो स्वाद जो है खराब हो जाता है मसाले का। तो देखिए अब हम मसाले को भून लेते हैं हल्का सा। मसाले जो हैं भून चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। देखिए हमने ये जो है सफ़ेद नमक है, ये काला नमक, और इन्हें जो है हमें भून लेना है हल्का हल्का सा। हमें भूनना है कि इसका जो कच्चापन हो नमक का, वो पानी देने लगता है, वो ख़त्म हो जाए। अचार में हम जब डालेंगे तो अचार जो है लंबे समय तक चलेंगे, ये खराब नहीं होंगे। इन्हें हमें जो है हल्का हल्का सा भून के, और उसके बाद से हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बस 2 मिनट हमें भूनना है, उससे ज़्यादा हमें नमक को नहीं भूनना रहता है। पाउडर तैयार कर लेंगे। ये सूखी मिर्चें जो हमने भूनी थी, ये सारा हम पीस के जो है तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने चूल्हे पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। चूल्हे को ऑन कर देते हैं, तेल गर्म हो रहा है। देखिए गोभी जो हमने बॉइल करके रखा था, देखिए कितने अच्छे से ये सूख गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद से हम गोभी को डालेंगे। इस तरीके से आप अचार बनाएंगे गोभी का, बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। देखिए हमने रख दिया है, तेल गर्म हो रहा है, ठीक है। अब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद से हम अचार बनाएंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। इस समय हम इसमें हींग डाल देते हैं, ठीक है। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इससे अधिक हमें तेल नहीं गर्म करना, ठीक है। अब हम गोभी को डाल देंगे, ठीक है। देखिए गोभी को हम डाल देते हैं, बहुत अच्छे से गोभी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। देखिए हमने इसे डाल दिया गोभी को। अब हमें तेल के साथ गोभी को जो है अच्छे से मिला देना है। देखिए ये सारे पे अच्छे से तेल लग जाए। गोभी का बिना धूप वाला अचार बना रहे हैं, धूप में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमें अच्छे से कर देना है कि सारे में तेल जो है गोभी में अच्छे से चले जाएगा। देखिए हमने इसे अच्छे से कर लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, इसमें हम मसाले डाल देते हैं। देखिए हमने हल्दी पाउडर, ये तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मंगरेल, नमक, हल्दी, और हमने मसाले जो तैयार किए मसाले हैं हम इसे डाल देते हैं।
देखिए हमने ये ले लिया है दोनों खड़े मसाले जो है सौंफ और ये अजवाइन है, अब इन्हें डाल देते हैं। अब अच्छे से हम मिला देते हैं अचार को। देखिए इस तरीके से आप गोभी का अचार बनाएंगे, बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये खराब नहीं होता है, एक साल तक चलेगा। बस अच्छे से हमें इसे बचा के रखना है, पानी के हाथ से इसे हमें नहीं यूज करना है। देखिए अच्छे से हम मसालों को मिला देते हैं। देखिए इसमें का जो तेल है बच जाएगा, तो हम दूसरे अचार में इसे डाल देंगे, ठीक है। इसे हमें फेंकना नहीं है, मसाले बच जाते हैं तो आप अचार में इसे डाल दें, दूसरे अचार आप बना लें, उसमें यूज हो जाएगा। देखिए अच्छे से हमें इसे मिला देना है, अब इसे बना के ये एक सालों तक चलते हैं, खराब नहीं होते, बहुत टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। पूरी पराठा जिस चीज मतलब ये किस खा सकते हैं, इसे बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए गोभी का अचार बन के रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।